जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाना है। इसमें पहली टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंचे। सूर्य कुमार पहले भस्म आरती में शामिल हुए, बाद में गर्भगृह में अभिषेक किया। पंडित भरत और पंडित ओम ने पूजा करवाई। जानकारी के अनुसार सूर्य कुमार ने इंदौर में होने वाले न्यूजीलैंड के साथ मैच में जीत और ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। खिलाड़ियों ने नंदीहाल में बैठकर बाबा महाकाल की भस्म आरती देखी। आरती के बाद 16 पहनकर गर्भगृह में बाबा का जल से अभिषेक किया। मैच से पहले सोमवार को सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। तड़के भस्म आरती में दर्शन के बाद अभिषेक और पूजन किया। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। वहीं मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से उनका स्वागत किया गया। बता दें कि रविवार रात को मंदिर समिति को खिलाड़ियों के आने की सूचना मिली थी। इस पर तैयारियां की गई, सभी को नंदीहाल में बैठाया गया। भस्म आरती दर्शन के बाद खिलाड़ियों ने गर्भगृह में जलभिषेक किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सूर्य कुमार यादव के साथ कुछ अन्य खिलाड़ी भी महाकाल भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे थे। इन्होंने आरती में शामिल होकर दर्शन लाभ लिए। बताया जाता है कि कुछ और खिलाड़ी भी मैच से पहले भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए इन दिनों पहुंच रहे हैं। स्टार खिलाड़ियों के मंदिर पहुंचने पर समिति के कर्मचारी खासे खुश नजर आए। सब ने आव भगत की, खिलाड़ियों ने भी कर्मचारियों संग फोटो खिंचवाए और कहा कि फिर आएंगे। खिलाड़ियों ने भारत न्यूजीलैंड सीरीज के अंतिम मुकाबले में जीत की कामना की। साथ ही साथी खिलाड़ी ऋषभ पंत के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए भी प्रार्थना की।